हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको पार्ट टू मोल कॉन्सेप्ट जो फार्मूला है यहाँ पर हम पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमारा पार्ट वन था, टोटल कितने फार्मूले उस पर डिस्कस हुए थे, फोर्थ। और फोर्थ का मतलब है ये कहिए टोटल थ्री फार्मूले डिस्कस हुए थे, लेकिन फोर्थ का एक पार्ट हमने वहां पर डिस्कस किया था और फोर्थ पार्ट का हाफ पार्ट यहां से स्टार्ट होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट फार्मूला का सेकंड पार्ट, जो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूले। यदि आप अच्छे से लर्न करेंगे, एक बार नहीं, आप फार्मूले को जितना बार रिवाइज कर सकते हैं आप उतना बार रिवाइज करिए। एक बार आपको फार्मूला लर्न हो गया तो कभी आपको भूलेगा नहीं एग्जाम में। देखिए, हमारे पास टाइम कम रहता है, चाहे आप नीट के एग्जाम में बैठें चाहे आप IIT के एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको इतना लर्न होना चाहिए कि आपको एकदम सोचने का टाइम ही नहीं हमें मिलता है, इसलिए हम इसको कई बार पढ़ेंगे। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं वेपर डेंसिटी। यदि आपसे क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन हो, मॉलिक्यूलर वेट यदि आपसे पूछा जाता है, तो आप किस तरह बताएंगे? यदि आपको वेपर डेंसिटी पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो, तो आप कैसे बताएंगे? हम आपको फार्मूले का डिस्कस किस तरह यूज होगा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टू। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टू। यदि आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए, सेकंड पॉइंट, यदि आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी से दो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब हम थर्ड जो हमारा फिफ्थ फार्मूला है, यदि एनी टू गैस, यदि आपको दो गैस की गिवन हो तो उसमें वेपर डेंसिटी का रेशियो पूछा जाए आपसे, किन्हीं एनी टू गैस, किन्हीं दो गैस के लिए वेपर डेंसिटी का हमें रेशियो पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे? देखिए वीडी मीन्स क्या लिखा है, वेपर डेंसिटी। जो वीडी, देखिए वीडी मीन्स क्या, वेपर डेंसिटी। और एम जो लिखा है, एम मीन्स क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। जो यहाँ पर हमने एम वर्ड यूज किया है, एम मीन्स क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। देखिए किस तरह वेपर डेंसिटी का रेशियो होता है, वेपर डेंसिटी फर्स्ट अपॉन वेपर डेंसिटी सेकंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट फर्स्ट गैस का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस का। क्लियर? इस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। यदि आपको सिर्फ इतना फार्मूला लर्न है तो हम इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वी डी इज इक्वल टू एम वन अपन वी डी टू इज इक्वल टू एम टू टू। क्लियर? इसलिए वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। अब हम आपको सेकंड जो हमारा सिक्स नंबर फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। यदि आपसे डेंसिटी और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन पूछा जाता है तो हमारा फार्मूला देखिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार्क कर लीजिए कि कई बार क्वेश्चन में इतना ज़्यादा यूज किया गया है, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, और डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। और वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, वी डी। तो देखिए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी, क्योंकि एक दूसरे से हमें रिलेशन देखना है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी, यहाँ पर जब भी होगा डेंसिटी, ग्राम पर मिली लीटर। जीएम मीन्स क्या है, ग्राम
ml मींस क्या है, मिली लीटर है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी, यदि हमारा ग्राम पर मिली लीटर में है तो कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11,200। क्लियर, 11,200 कितना, 11,200। यदि वेपर डेंसिटी का जो हमारा सेकंड फार्मूला है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू यदि डेंसिटी ग्राम पर लीटर में रखेंगे, यदि डेंसिटी ग्राम पर लीटर में रखेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 11.2 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिलीलीटर है और यहाँ पर लीटर है। जब आप 11,200 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 11,200 से जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 निकल के आएगा। क्लियर, देखिए यही तो लिखा है यहाँ पर। देखिए मैं आपको फार्मूला यहाँ पर सिखा रहा हूँ, आप फार्मूला इतनी बार लर्न करिए कि हमें एग्जाम में वो सब काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू यदि डेंसिटी ग्राम पर लीटर में आप लेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 11.2 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर, तब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 11,200 से। यदि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ग्राम पर लीटर तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 11.2 से 11.2 से। अब हम आपको थर्ड पार्ट में, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट वीडियो हम आपको फार्मूला डिस्कस करेंगे।